रायबली में लगातार बढ़ रहे अपराधों से हलखान खाकी ने ऑपरेशन दस्तक 3 अभियान चलाकर जिले में 69 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अपराधियों में 5 इनामिया बदमाश व 3 जघन्य अपराधों में शामिल वांछित के अलावा दर्जनों की संख्या में वांछित व वारंटी विभिन्न थाना क्षेत्रों में पुलिस के हत्थे चढ़ गए। इस अभियान में 30 घंटे में पुलिस ने 69 अपराधियों को धर दबोचा। पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर में आज 5 दर्जन से अधिक इनामी वांछित व वारंटी अपराधियों को पुलिस ने मीडिया के सामने पेश किया। इन सभी को जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से ऑपरेशन दस्तक पार्ट 3 के तहत बीते 30 घंटों में हिरासत में लिया गया, जिनमें 5 इनामिया परमेंद्र नौसार, ब्रजेंद्र पांडे, लाल बाबू व सूरज पांडे दबोचे गए, जिन पर 20-20 हजार व 15-15 हजार व 10 हजार का इनाम घोषित था। वहीं जघन्य मामलों में वांछित हंसराज, अंकित शर्मा व पिंटू पटेल को पुलिस ने दबोच लिया। इसके साथ ही दर्जनों वांछित व वारंटियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जिनकी पुलिस को विभिन्न मामलों में तलाश की जा रही थी, लेकिन वो लगातार पुलिस को चकमा दे रहे थे। कुल 69 लोगों को पुलिस ने पकड़ा है, जिन्हें जेल भेज दिया गया है। SMA की डेस्क रिपोर्ट। जैसा आप अवगत है, विगत 1 वर्ष में पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में वांछित अभियुक्तों के विरुद्ध हम लोग समय समय पर अभियान चलाते रहे हैं। उसी क्रम में ये तीसरा अभियान है, जिसको दस्तक, ऑपरेशन दस्तक के नाम से हमने संबोधित किया है। पिछले 2 अभियान में हमारे करीब 100 के आसपास अभियुक्त गिरफ्तार हुए थे। इस बार भी हमारी पुलिस ने काफ़ी मेहनत करके करीब 69 अभियुक्तों को विभिन्न मुकदमों के वांछित अभियुक्त, पुरस्कार घोषित अपराधी, विभिन्न तरह के जो भी हमारे अभियुक्त फरार चल रहे थे, जिसमें जघन्य अपराध के हत्या, रेप जैसे मुकदमों के भी वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें 5 इनामी अपराधी हैं, 2 20 हजार के, 2 15 हजार के और 1 10 हजार के इनामिया गिरफ्तार किए गए हैं। ये सफल अभियान रहा है। हमारे पुलिस ने करीब 30 घंटे लगातार इसमें परिश्रम करके योजनाबद्ध तरीके से 69 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजा है।